हे गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल सीट से पीडीएफ फाइल कैसे जनरेट करते हैं। इसके लिए बीबी ऑटोमेशन यूज करेंगे, एक मैक्रो रन करेंगे और घंटों का काम हम मिनट्स में कर। इस बीबीए कोड को एक्सप्लेन भी करूंगा जिससे आप अपनी एक्सेल सीट के अंदर इसको यूज कर पाए, और आपको ये फ्री में डाउनलोड करने के लिए भी दूंगा। टास्क कुछ ऐसे है, मेरे पास में एक सैलरी रजिस्टर है, इसमें 10 एम्प्लॉई है और उसकी बेसिक एचआरए कन्वेंस स्पेशल अलाउंस कुछ ऐसे न्यूमेरिक एंड कुछ अल्फाबेट करके एक पे स्लिप जनरेट करनी है जिसको आप बोलते हैं सैलरी स्लिप। इस सैलरी स्लिप जनरेट करना पेरोल एचआर के लिए एक मंथली टास्क होता है, और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप एक्सेल सीट से पीडीएफ ऑटोमेशन कैसे बना पाए। तो मैंने इस पे स्लिप को इस एक्सेल सीट से पूरा लिंक कर दिया है। ब्लूकप यूज करने के बाद में मैंने इस पूरी एक्सेल शीट को ऑटोमेट कर दिया है कि जब भी मैं यहाँ पे सीरियल नंबर चेंज करूंगा तो ये पूरी मेरी एक्सेल शीट का जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ बटन बनाया हुआ है, जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे एक फोल्डर है जो कि मैं अभी आपको दिखा दूं, इस फोल्डर के अंदर जाकर के कुछ पीडीएफ फाइल्स बन जाएंगी। तो पहले देख लेते हैं काम कैसे करता है। पीडीएफ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे सक्सेसफुली सेव करके एक मैसेज आया और ऑटोमेटिकली इस फोल्डर के अंदर दो पीडीएफ बन गई है। इस पीडीएफ को ओपन करके भी आप देख सकते हैं, इसमें येलो कलर मैंने भरा हुआ है, वैसे ऐसे भरना नहीं चाहिए, बस वीडियो में दिखाने के लिए मैंने कुछ ऐसा कर लिया है। अब इसके पीछे मैंने क्या कोड यूज किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये मैक्रो इनेबल वर्कबुक है, इसके अंदर बीबी है जिसको आप मैक्रो बोलते हो, उसके अंदर कोड लिखा हुआ है। तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ कि क्या कोड यूज किया है मैंने। विजुअल बेसिक में जाएंगे तो एक बहुत सिंपल कोड लिखा हुआ है, मैंने प्रोसीजर बनाया हुआ है। पहले जिन लोगों को बीबीए पहले से पता है, थोड़ा बहुत पता है, ज्यादा पता है तो ये पूरा कोड उनको पहले से पता होगा, थोड़ा बहुत पता है आप इसे अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो तो अच्छा है, यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो इस कोड को जस्ट कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद में अपनी जो भी एक्सेल सीट है जिसके जिसकी आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू कोड, और व्यू कोड में जाकर के आप पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक करके F5 रन कर देंगे तो ये कोड आपका रन हो जाएगा। बट मेक श्योर आपको कुछ चीजें चेंज करनी है, उसके लिए आप देखो क्या क्या चेंज करना है। समझिए, एक से लेकर के दो यहाँ पे आप सीरियल नंबर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कोड जब भी रन होगा तो एक नंबर से लेकर के दो नंबर तक मतलब दो पीडीएफ फाइल जनरेट करेगा। आप यहाँ देखेंगे भी, मैंने अभी पीडीएफ जनरेट किया था, कुछ ऐसे ही किया था। आप यहाँ पे देखेंगे कुछ एक से लेकर के 10 सीरियल नंबर बने हुए हैं, इन सीरियल नंबर को मैंने यहाँ पे वीलुकअप से इसको टैग किया हुआ है, इसको लिंक किया हुआ है। अब इसको पूरा समझते हैं कि यदि आपको एक से लेकर के 5 पीडीएफ बनानी है या 5 से लेकर आपको 10 पीडीएफ बनानी है, सो यू नीड टू चेंज द दिस फिगर। अभी मैं आपको पूरा कोड समझाता हूँ कि बेसिकली ये पूरा कोड है ऑटोमेट करने के लिए। पीडीएफ जो बन रही है इस एक्सेल फाइल से, जो पीडीएफ बन रही है वो उसके लिए सिर्फ यही कोड है जो आप ये कोड देख रहे हैं, ओनली वन कोड इज जनरेटिंग योर पीडीएफ। अब एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। फर्स्ट मैंने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, इस प्रोसीजर का नाम आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, बिटवीन लाइक दैट इसके बीच में करेंगे और इसमें कोई भी स्पेस नहीं आएगा। उसके बाद मैंने कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं, वेरिएबल ये डिफाइन होते ही होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है वो मेरी बीबीए की क्लास देखो कि कैसे बीबीए कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। सिंपल मैंने डिव लगाया हुआ है यहाँ पे, और कोई भी वेरिएबल को यहाँ पे वैल एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ मैं खास करने वाला नहीं हूँ। तो पहले मैंने फोल्डर नेम कॉमा फाइल नेम कॉमा फ्रॉम और टिल, ये आप इसको भी हटा सकते हो, फ्रॉम और टिल को इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे यूज नहीं किया है। एंड पीडीएफ पाथ, तो तीन वेरिएबल हैं, तीनों वेरिएबल की अलग अलग डिटेल्स हैं। जैसे पहला फोल्डर पाथ है, तो फोल्डर पाथ मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू एंड दिस इज द पाथ। तो गाइस, जब भी आप इस कोड को यूज करें तो मेक श्योर कि आपको ये चेंज करना है, इतने बीच का ये जो पाथ है ये वो वाला पाथ है जहाँ पे आपको पीडीएफ सेव करनी है। दूसरा, यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप यूज किया है, लूप के लिए भी मैंने कई सारी वीडियो बनाई हुई है, जो बीबीए के स्टूडेंट है उनको पहले से पता होगा कि बीबीए लूप क्या है। 5-6 टाइप के लूप्स होते हैं जिसमें फॉर लूप को मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। फॉर लूप यूज किया है, सीरियल नंबर को मैंने वेरिएबल माना है और एक से लेकर के दो तक।
अभी यहाँ पे सेकंड आप देखेंगे तो मैंने ये चेंज किया है लूपिंग के लिए कि सीट पे स्लिप, सीट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ये पे स्लिप सीट है, इस सीट को सिलेक्ट किया है और रेज वन इज इक्वल टू एस आर कर दिया है। एस आर का मतलब है कि जो मेरा सिक्वेंस चल रहा है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट लाइन समझते हैं, फाइल नेम, फाइल नेम क्या होगा, वेन द सीरियल नंबर भी चेंज, यहाँ पे कोई भी सीरियल नंबर चेंज होगा तो VLOOKUP अपने आप यहाँ पे कोड चेंज कर देगा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो आपकी जो PDF सेव हो रही है वो किस नाम से सेव हो रही है। अभी मैं जो PDF सेव कर रहा हूँ वो एम्प्लॉय कोड नाम से सेव कर रहा हूँ, तो आप जो भी एम्प्लॉय कोड है मेरा H7 के अंदर, तो मैंने यहाँ पे यूज किया है H7। आप जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अपना एम्प्लॉय कोड रखना चाहते हो, एम्प्लॉय नाम रखना चाहते हो, सीरियल नंबर रखना चाहते हो, कुछ और नाम रखना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली यू चेंज दिस सेल। अब थर्ड एक लाइन वो सीखते हैं समझते हैं, पीडीएफ पाथ। पीडीएफ पाथ एक नॉर्मल पाथ है जो कि फाइनल पाथ है, फोल्डर पाथ और फाइल नेम को दोनों को मिलाकर के लास्ट में एक्सटेंशन ऐड कर दिया है .pdf और ये आपका पीडीएफ पाथ है। इस पीडीएफ पाथ को मैंने यहाँ पर यूज किया है टू कन्वर्ट द, तो बेसिकली लाइन एक ही है जिससे कि पीडीएफ जनरेट होती है। अभी दो लाइनें और आपको सीखनी है, समझनी है क्या करती है। सीट्स पे रजिस्टर डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब जब ये कोड रन होगा तो जो फर्स्ट सीट है पे रजिस्टर है इस सीट को मैंने हाइड किया हुआ देखेंगे आप, तो विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। इट मींस कि जब भी पीडीएफ बनेगी, पीडीएफ बनने से पहले ये एक्सेल सीट हाइड हो जाएगी, फिर पीडीएफ जनरेट हो जाएगी और उसके बाद में इसी सीट को इसी पे रजिस्टर विजिबल ट्रू कर दिया है और ये दिख जाएगी। मतलब जब पीडीएफ बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ इसकी बनेगी। बट कई बार आपके पास में ऐसा कुछ आता है कि पेस्लिप आपकी बड़ी है, कुछ पेस्लिप का पार्ट एक सीट पर है, कुछ पेस्लिप का पार्ट दूसरी सीट पर है और दोनों सीटें आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो दोनों सीटें ही आपकी विजुलाइजेशन होनी चाहिए। लेट्स अज्यूम इसी में एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मुझे पे रजिस्टर भी प्रिंट करना है, वैसे तो बेवकूफी वाली बात होगी बट ये रजिस्टर मुझे प्रिंट करना है तो मैं ये वाली कमांड हटा दूंगा जिससे जब भी पीडीएफ बनेगी तो ये भी पीडीएफ बनेगी एंड प्लस पे रजिस्टर भी बनेगा जो कि नहीं करना है मुझे। अभी ये वाला लास्ट वाला कोड है जो कि आपका जो लूप आपने लगाया, फॉर लूप लगाया हुआ है, इस फॉर लूप को मैंने यहाँ पे नेस्ट करके एंड किया हुआ है और लास्ट में जब ये फॉर लूप बराबर हो जाएगा इसके तो ये लूप अपने आप एग्जिट कर जाएगा, लास्ट में आपके पास में मैसेज आ जाएगा जिसका नाम है सक्सेसफुली सेव्ड। ये कोड का लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसको कॉपी करिए, पेस्ट करिए। इवन मैं ये फाइल भी सेव कर रहा हूँ, एक लिंक दूंगा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो जिसके आप इसे यूज कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।